हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन है और आज मैं इसमें ट्रेवल करने वाला हूँ। देखिए ट्रेन बहुत स्टेशन पर आ गई है और खड़ी है। अभी मैं ट्रेन के साथ में जा रहा हूँ। देखिए बाहर से बहुत अच्छी लग रही है, बहुत देखने में बहुत सुंदर है। अब ट्रेन चालू होने से पहले ट्रेन की अच्छी तरह से सफाई चल रही है। सफाई चलने के बाद उसके बोगी वो ओपन हो जाएंगे। अभी देखिए ट्रेन मैं इसमें बैठ गया हूँ और मैं गया हूँ वापस जो वेस्टर्न वास्तु में, और टच करते ही प्लस ऑन हो जाता है और यानी ऑटोमेटिक सारा सिस्टम दिया है यहाँ पर। हैंड वॉश के लिए ऑटोमेटिक है, सॉप वगैरह के लिए जैसे आप हाथ के नीचे करेंगे तो ऐसी साबुन आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यार ड्राई हाथों को छुपाने के लिए एक मशीन लगी है, उस पर जैसे आप किसी से हाथ करेंगे गर्म हवा आएगी और आपके हाथों को 2 मिनट में ही सूखा दे सकता है। सब कुछ है। अभी ब्रेकफास्ट देखिए आ गया। ब्रेकफास्ट में मुझे कुछ मिक्सर दिया है, नमकीन एक चाय दिया और उसके बाद बाइक दिया है खाना ब्रेकफास्ट करने के बाद। बाइक ये पॉपकॉर्न लिए मीठे वाले पॉपकॉर्न का बेचती और एक समोसा दिया मेरे को और छोटा दिया। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और ब्रेकफास्ट बाकी में अच्छा है। देखिए पॉपकॉर्न बाकी के खाने में मज़ा आया, यानी देखने में काफ़ी मतलब मीठा है, ज़्यादा मीठा है क्योंकि नॉर्मल है। और यहाँ भी खा रहा हूँ पॉपकॉर्न, मस्त लग रहा है और डिलीवर करना भी वंदे भारत ट्रेन से बाकी मस्त लग रहा है। यानी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, टच करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए मैं चाय बना रहा हूँ और मेरे को गर्म पानी भी दिया गया है। चाय डाल तो चाय रेडी कर लूँगा पीने के लिए। और चाय का टेस्ट भी ठीक है और नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से तो खाने का टेस्ट ठीक है। नॉर्मल तो काफ़ी बेकार रहता है। अभी देखिए ये लाइट जैसे मैंने टच की जैसी ऑन हो गई, दोबारा टच की ऑफ हो गई। देखिए अंदर का सिस्टम है, देखकर जो है वो ब्रेक करने में मिल सब लोगों को। और आगे LED लगी है जिसमें लिख के आता रहता है नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, किस ट्रेन पर है। और LED लगी है वाईफाई कनेक्ट के लिए भी ऑप्शन मिला जिस तरह से वाईफाई कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड बाकी में फ्लाइट की तरह सारा सिस्टम है वंदे भारत ट्रेन का, यानी एक बार अगर आपने ट्रेवल किया तो दोबारा आपका मन नहीं करेगा किसी दूसरी ट्रेन से सफ़र करने का। तो अभी दोबारा मैं फ्रेंड बात करना चाहूँ LED में ट्रेवल ऑप्शन प्लस ओपन हो जाता है। उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा आपको के लिए है बाद ये पानी की टॉप की पानी की बाद मेरे पास हैंड वॉश के लिए देखिए आप हाथ नीचे करें तो मुझे आपको। तो फ्रेंड बाकी सब कुछ काफ़ी अच्छा है ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा करने के लिए हैंड ट्राई करने के लिए मशीन तो मिनट भी नहीं लगेंगे आपके हाथ जो ट्राई कर देगी मशीन, काफ़ी स्पीड चलती है बढ़िया। अभी देखिए ये जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर का वीडियो लिया है मैंने। LED चल रही है LCD और लिख के आ रहा है कौन सा स्टेशन कितनी डिस्टेंस पर है। ट्रेन काफ़ी अच्छा लग रहा है पहली बार ट्रेन में बैठ के। और ये गेट है ऑटोमेटिक सेंसर लगा जिसमें जैसे आप सामने आएंगे ऑटोमेटिक गेट साइड में हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। यानी फ्रेंड नॉर्मल ट्रेन की तरह नहीं रहते इसके गेट। अभी खाना आ गया फ्रेंड, मैं खाना खा लेता हूँ। खाने में देखिए राइस है, दाल है और शाही पनीर है और कर्ड है 1 कप और 2 रोटीज है। तो फ्रेंड खाने का टेस्ट भी नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से तो ठीक है। उस ट्रेन में तो आप खाएंगे तो खा नहीं सकते, ऐसा खाना देते हैं। इसका टेस्ट जो है बाकी ट्रेनों से अच्छा है। ये अटेंडेंट कोच अटेंडेंट है भाई, काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया है, इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए सेंसर लगा गेट में, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। अभी मैं जाऊंगा उसको जैसे बटन प्रेस करूंगा गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अभी दूसरे भाई आते देखो उन्होंने प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, जैसे वो सामने आए ऑटोमेटिक गेट ओपन हो गया। तो फ्रेंड सभी में सेंसर लगे हैं और एक बार जब आपने अगर ट्रेवल कर लिया इसका तो दूसरी ट्रेन से ट्रेवल करने का मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा ट्रेवल रहा आज मेरा दिल्ली से अजमेर का।
भारत ट्रेन का, लेकिन एक्सपेंसिव भी काफ़ी है देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटीज है उस तरह से पैसे भी काफ़ी, अच्छा टिकट भी एक्सपेंसिव है।